हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टार्मी के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओटियो और तेनमा एक दूसरे को उस रूम में देखकर शॉक हो जाते हैं। ओटियो तेनमा से पूछती है, तुम यहाँ कैसे? तेनमा बताता है, मुझे माया ने कॉल कर कल बुलाया था कि तुम यहाँ बेहोश हो गई हो, पर उसने मुझे ही यहाँ बंद कर दिया। ओटियो बोलती है, ये सब तुम्हारे साथ मेरी वजह से हो रहा है। तेनमा ओटियो को अपने ब्लेजर से कवर कर देता है ठंड से बचने के लिए। ओटियो तेनमा को बोलती है, पर तुम्हें भी तो ठंड लग सकती है। तेनमा बोलता है, मैंने तुम्हें हक किया हुआ है, मुझे ठंड नहीं लगेगी। दूसरी ओर हरतु माया से पूछता है, ओटियो कहाँ है? माया बोलती है, वो कहीं चली गई है और वो तुम्हें अपने ट्रिक में फंसा रही है। हरतु माया से पूछता है, इस बार तुम क्या कर रही हो? माया बोलती है, ओटियो एक डेविल है जो तुम्हें और तेनमा दोनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। हरतु बोलता है, जो पूछा है उसका जवाब दो। माया हरतु को ओटियो और तेनमा की कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाती है। ओटियो तेनमा को कन्फेस करती है, तुम मेरा फर्स्ट लव हो। तेनमा ओटियो को बोलता है, मेरे दिल में भी सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। हरतु ये सब देख और सुनकर अपसेट हो जाता है। माया हरतु को बोलती है, दोनों इतना क्लोज है कि तुम उनके बीच नहीं घुस सकते। हरतु माया से पूछता है, ये दोनों कहाँ हैं? माया नहीं बताती और बोलती है, ओटियो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। हरतु माया पे चिल्लाता है। माया बोलती है, चिल्लाओ मत। हरतु बोलता है, तुम सच में शिट हो, दोबारा कभी मेरे पास मत आना। हरतु उन दोनों को वहाँ से निकालने जाता है। तेनमा हरतु पर ही भड़क जाता है, कब तक तुम ओटियो को ऐसे मुसीबतों में डालते रहोगे? ओटियो तेनमा को बताती है, हरतु की कोई मिस्टेक नहीं, मेरी खुद की ही गलती है। हरतु तेनमा को बोलता है, तुम ओटियो को घर ले जाओ। तेनमा बोलता है, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। तेनमा ओटियो को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, कायतो ओटियो को जाकर बताता है, माया कल से घर नहीं पहुंची, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ हो सकती है? ओटियो को माया के लिए बुरा लग रहा होता है, क्योंकि ओटियो को पता है माया ने ये सब उसके साथ इसलिए किया क्योंकि वो हरतु को पसंद करती है। ओटियो कायतो को बताती है, मुझे नहीं पता, पर जरूर हरतु को इस बारे में पता होगा क्योंकि हरतु माया का एक लौता फ्रेंड है और उसे बचपन से जानता है। ओटियो कायतो के साथ हरतु के घर आती है। ओटियो हरतु से पूछती है, माया कहाँ है, मुझे बताओ। हरतु को लगता है माया ये सब जानकर सबका टेंशन पाने के लिए कर रही है। ओटियो बोलती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हरतु ओटियो को बोलता है, तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो जबकि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है? ओटियो हरतु से फिर भी पूछने की कोशिश करती है। हरतु अपनी जिद पर अड़ा रहता है, मैं नहीं बताऊंगा। ओटियो बोलती है, मुझे माया पसंद नहीं, पर तुम्हें देखकर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। हरतु नहीं बताता तो ओटियो खुद ही उसे ढूंढने निकल जाती है। ओटियो माया को एक जगह गिरी हुई मिलती है। माया ओटियो को बोलती है, तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। ओटियो माया को कवर करती है और बोलती है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तुम्हें बेटर फील होगा तुम मुझ पर चिल्लाकर अपनी भड़ास निकाल सकती हो, पर अभी के लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। माया ओटियो को बोलती है, क्या तुम स्टूपिड हो? ओटियो नहीं मानती और माया को पिगी बैग देकर वहाँ से ले जा रही होती है। ओटियो माया को नहीं संभाल पाती, उसे लेकर गिरने ही वाली होती है। तभी हरतु वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेता है। हरतु माया और ओटियो को साथ चलने को कहता है। ओटियो हरतु को बोलती है, तुम माया को ले जाओ, मैं अपने घर चली जाऊंगी। हरतु माया को वहाँ से ले जा रहा होता है। माया हरतु को अपना लव कन्फेस कर देती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर हरतु माया को बताता है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील नहीं करता, तुम मेरे लिए एक अच्छे दोस्त हो। नेक्स्ट डे माया ओटियो के घर पहुँच जाती है और काफी खुश दिखाई देती है। ओटियो माया को उसके घर देख कर शॉक हो जाती है, अब ये यहाँ क्या करने आई है? माया ओटियो के साथ इतनी फ्रेंडली होती है कि ओटियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। माया ओटियो को बताती है, मैं चाहती हूँ तुम हरतु के साथ खुश रहो और तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। ओटियो माया से पूछती है, तुम क्या कहना चाहती हो? माया बोलती है, अब से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारे और हरतु के रिलेशनशिप को सपोर्ट करूंगी। ओटियो सुनकर हैरान हो जाती है, अब ये क्या है? माया ओटियो को अपने साथ खींच कर ले जा रही होती है। ओटियो पूछती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो?
माया बोलती है, मुझे पता है तुम अरतु को पसंद करती हो। ओटियो बोलती है, क्या तुम भूल गई, मेरा ऑलरेडी फियांसी है। माया ओटियो से पूछती है, क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी जगह नहीं अरतु को देने के लिए। ओटियो के पास माया के सवाल का कोई जवाब नहीं होता। माया बोलती है, तुमने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब तुम्हारे दिल में अरतु के लिए जगह है, यानी अरतु के पास अभी भी होप है तुम्हें पाने की। ओटियो बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। माया ओटियो को बोलती है, चलो मेरे साथ चलो, पता करते हैं तुम क्या फील करती हो। माया ओटियो को अरतु से मिलवाने एक फेस्टिवल में लेकर जाती है। तभी एक मेगुमी नाम की पॉपुलर मॉडल वहाँ आ जाती है। मेगुमी अरतु के पास जाकर बोलती है, हम पहले मिल चुके हैं। अरतु बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेगुमी और अरतु को क्लोज देखकर ओटियो को अच्छा नहीं लग रहा होता, साथ ही उसे समझ नहीं आता उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है। अरतु ओटियो से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ओटियो बोलती है, क्यों, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ आने से। अरतु माया को डांटता है, आगे से बिना बताए ओटियो को कहीं भी ले जाने का प्लान मत करना। माया अरतु को बोलती है, तुम उससे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, अब मैं और ओटियो अच्छे दोस्त हो गए हैं। इसके बाद अरतु ओशन में बात के लिए जाता है, पर गलती से मेगुमी के पास चला जाता है। अरतु मेगुमी को नेक देखकर भी ओशी हो जाता है। अरतु वहाँ से वापस जा रहा होता है, तभी माया अरतु को देखकर उसे रोकती है। अरतु डर ही जाता है, कहीं पता तो नहीं चल गया है उसके साथ अभी क्या हुआ था। माया अरतु को ओटियो को उसके घर छोड़ने को कहती है। अरतु ओटियो को उसके साथ अकेला देखकर सोचता है, ये सही मौका है ओटियो को कन्फेशन करने का। पर बार बार अरतु को मेगुमी के साथ ओशन में हुए इंसिडेंट की याद आती है, जिस वजह से अरतु ओटियो को कन्फेस नहीं कर पाता। क्योंकि अरतु को लगता है ओटियो को उस इंसिडेंट का पता चला पक्का वो उसके बारे में गलत ही सोचेगी। अरतु ओटियो को उसके घर ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट डे माया ओटियो से पूछती है, कैसा फील हुआ अरतु के साथ अकेले घर जाकर। ओटियो बताती है, कुछ खास नहीं था। माया बोलती है, क्यों, अरतु तेरे मन से ज्यादा हैंडसम है, रिच है और तुम्हारे लिए उससे ज्यादा परफेक्ट है। ओटियो बताती है, मैं और अरतु एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं। जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं हमारी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जबकि तेनमा के साथ आज तक मेरी कोई फाइट नहीं हुई। माया बोलती है, तुमने सुना नहीं, जो ज्यादा लड़ते हैं वो प्यार भी ज्यादा करते हैं। तभी अरतु वहाँ आकर ओटियो को स्कूल के बाद कहीं साथ चलने को कहता है। माया ओटियो को चिढ़ाती है, अरतु तुम्हें डेट पर लेकर जा रहा है। ओटियो बताती है, ये डेट नहीं, पर अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है अरतु के साथ जाने के लिए। इसके बाद अरतु अपने ग्रुप को बताता है, आज मैं ओटियो को कन्फेस करने वाला हूँ अपनी फीलिंग के बारे में, और ओटियो को तेनमा से चुरा लूंगा, इससे पहले वो आगे बढ़े। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेगुमी आयतो को स्कूल में आ जाती है और आते ही अरतु के पीछे पड़ जाती है। अरतु मेगुमी से दूर भाग रहा होता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों आई हो। मेगुमी बताती है, तुम्हारा वॉलेट लुटाने। अरतु पूछता है, मेरा वॉलेट तुम्हारे पास कैसे आया। मेगुमी बोलती है, जब हम कल ओशन बाग में मिले थे तुम वहाँ भूल गए थे। सभी ये सुनकर शौक हो जाते हैं, अरतु और मेगुमी साथ में थे। अरतु सभी को समझाता है, एक्सीडेंटली मैं वहाँ पहुँच गया था। मेगुमी अरतु से पूछती है, इसका मतलब तुम मेरे पास वहाँ नहीं आए थे। अरतु बताता है, बिल्कुल नहीं। मेगुमी बोलती है, तुम्हारा शाय फेस कितना क्यूट लग रहा है। अरतु मेगुमी को बोलता है, दूर हटो मुझसे। मेगुमी बोलती है, अब क्या फर्क पड़ता है हमारे बीच इन सब का। माया को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और मेगुमी को मारने वाली होती है। अभी उसके ग्रुप के मेंबर उसे रोक लेते हैं, तुम ये नहीं कर सकती। माया बोलती है, क्या तुम दोनों इस लड़की की साइड हो। लेकिन मेगुमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मेगुमी अरतु को बोलती है, तुम मुझे जाने पहचाने इसलिए लगे क्योंकि तुम्हारा फेस मेरे फेवरेट गेम के करेक्टर की तरह लगता है। अरतु अपनी तारीफ सुनकर मेगुमी के साथ ही लग जाता है। ओटियो भी ये सब देख रही होती है। पूरे स्कूल को ये सब देख कर लगता है मेगुमी अरतु की गर्लफ्रेंड है। ये कमेंट सुनकर ओटियो को मेगुमी पर गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी ओर माया का भी यही हाल होता है और बोलती है, थोड़ी देरी से और यहाँ देखा तो पक्का मैं इसके साथ कुछ कर बैठूंगी। माया से ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वहाँ से जाने लगती है। ओटियो माया को बोलती है, अरतु को बता देना मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। अरतु ओटियो को देख कर उसके पीछे जाता है। अरतु ओटियो से पूछता है, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो बिना बताए। ओटियो बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। अरतु ओटियो को क्लियर करता है, मेरे और मेगुमी के बीच कुछ नहीं है।
वो क्यों बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके क्लोज हो या नहीं, मैं ये सब जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। हरत ओटियो को बोलता है तुम अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। ओटियो बोलती है मैं कोई अजीब बिहेव नहीं कर रही, एकदम नॉर्मल हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।